हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। हाय फ्रेंड्स, देखो आज क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ। तो आज है गणेश चतुर्थी, सकट, हम लोग की तरफ सकट बोलते हैं, ये बेटों का त्यौहार है, तो आज वही है फेस्टिवल, तो उसी की तैयारी चल रही है। तिली मैंने भून कर रख लिया है और ये है रामदाना, तो इसे कपड़े लेकर ऐसे ही चलाते रहना है। और देखिए कितने जल्दी जल्दी ये फूल रहे हैं, ये देखिए, वो एक एक फूल जाता है। ऐसे ही रामदाना भून के लड्डू बनाते हैं, सभी लोग बनाते होंगे, जो बनाते होंगे तो उनको पता ही होगा। और ये तिली मैंने भून के रख दिया है और ये पूरा रामदाना है, देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे तलते हैं, मतलब भूनते हैं ना, तो बहुत जल्दी और एक एक सब फूल जाते हैं रामदाना। और कुछ लोगों से नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा डाल देते हैं, फिर वो सभी फूलते नहीं हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो आज के व्रत के दिन तिली का लड्डू, रामदाना का लड्डू और सिंघाड़ा का कतरा, लपसी हम लोग कहते हैं, और सठौरा सिंघाड़े के ही आटे का, मतलब जो भी बनेगा वो फलाहार ही बनेगा, और जिनकी तरफ होता है उन्हें तो पता होगा। तो देखिए लड्डू बन गए हैं और सठौरा, और मैंने डिब्बे में भर के रख दिया है, जो ये चार पांच दिख रहे हैं वो सठौरा ही हैं। रामदाना का लड्डू भी आधा मैंने बनाया है, पूरा नहीं बनाया अभी, थक गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और ये है सिंघाड़ा की लपसी, इसे अभी काटूंगी चाकू से, कतरा कतरा हो जाएगा। ये देखिए काट के मैंने पूजा की थाली में रखा है ऐसे, और इसमें बहुत सारा टिटिम्मा लगता है। टिटिम्मा का मतलब है कि बहुत सारे, कोई भी फेस्टिवल होता है, पूजा पाठ का कोई भी चीज़ होती है, जैसे करवा चौथ है और तीजा है, बहुत सारी चीज़ें ये जो होती है ना फेस्टिवल हमारे इंडिया में, इनमें बहुत सारे नियम कानून, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी लगती हैं, जो कि काम लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सारा दिन इसमें लग जाता है। आज पूरा दिन मैं समझ लो इतनी बिजी थी, सुबह से मुझे थोड़ा काम भी पड़ गया था आज, तो मैं सारा काम कर रही थी, और काम करने के बाद फिर कपड़े वगैरह भी धुली, बच्चों को नहलाई, और समझ न पाई कितनी जल्दी समय बीत गया। फिर 3:30-4 बज गए थे तब मैंने इसे बनाना स्टार्ट किया था। तो ये पूजा की थाली मेरी पूरी रेडी है, इसमें सारा सामान है, और दो चीज़ें मैं भूल गई थी, एक बैंगन रखना था इसमें, एक गाजर, और जो कि फ्रिज में था मैं भूल गई थी, तो क्योंकि एडिटिंग मैं बाद में कर रही हूँ। और देखिए अब रेडी हो रही हूँ पूजा के लिए, और कैसी हूँ आप लोग देख रहे हैं, एक मिनट के लिए टाइम नहीं मिला था खुद के लिए, बाल मैंने धुला था, वैसे ही देखिए जैसे जुड़ा बना है ना ऐसे ही बना के रख दिया था, और बाल देखिए लिए कितने उलझे हैं, और सिवा मेरा शॉल फोल्ड कर रहा है और कह रहा मम्मी मैं आपका फोल्ड कर दूँ, आप थक गए हो। और ये खुशी देखिए, चोट अभी ठीक हो गई थोड़ी बहुत, इतनी देर हो गई है, 7:30 बज रहे हैं, 8:30 बजे पूजा करनी है, तो कोई खास ना मेकअप करूँगी, बस सिंपल सा जल्दी जूड़ा बना लूँगी, और अक्सर मैं जूड़ा ही बना लेती हूँ क्योंकि बाल समेट के बस ऊपर कर लेती हूँ, बस देखिए वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, देखिए बस ऐसे जूड़ा बन गया, मान लो मेरा मेकअप हो गया, जब कोई बहुत काम रहता तभी कुछ खास मेकअप करती हैं। और देखिए सिवा, इसने टोपी अपनी कहीं फेंक दी है, मैं इसे बोल रही हूँ कि टोपी अपनी पहन लो, इसे निकाल दो, पापा का मफलर है ये, बट ये नहीं सुन रहा, और शोर बहुत हो रहा था तो मैंने वो आवाज़ म्यूट करी है, और ऊपर से बोल रही हूँ, आप लोगों को बता रही थी कि ऐसे शरारत कर रहा है ये। और सब कुछ हो गया है जितनी भी मुझे तैयारी करनी थी मेकअप वाली, क्योंकि देख ही रहे हो आप लोग, बहुत ही सिंपल से मैं हमेशा रेडी होती हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा। तो भी रंग वाला काम बाकी है, बस इसे लगा लूँगी, हो गया। और बातें भी कर रही, यहाँ देखिए खुशी पहले से लगा के बैठी है, रंग वगैरह लगाओ तो पहले लगा लेती है, लेकिन पीछे की जो एड़ियाँ होती हैं उसे मैं नहीं भरने देती अभी, और आगे तरफ लगा लेती है क्योंकि कन्याओं को लगाया जाता है। आप सभी का स्वागत है साधना फैमिली ब्लॉग चैनल में, और आज है सकट गणेश चतुर्थी, तो हम सभी सुबह से व्रत हैं, अभी पूजा का टाइम है, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। आज सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि टाइम नहीं मिला था, जानते हैं बहुत काम पड़ता है, लड्डू बनाओ, तिल का लड्डू, रामदाना का लड्डू, और
जो क्या कहते हैं सिंघाड़े की कतरा होता है, जो हम उसे कतरा ही कहते हैं, लपसी, वो बनाया मैंने। और बहुत सारी चीज़ें, सठौरा कहते हैं वो बनाया, और क्या शकरकंद का बहुत, मतलब बहुत व्यंजन। मैं थक गई, अभी मैं फ्री हुई हूँ जस्ट, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया ढंग से, और जो मैं बना रही थी आप लोगों को वो मैंने दिखाया था। तो अभी चलिए पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और इस व्रत में भी बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे हम लोग करवा चौथ रहते हैं ना, तो ये वो वाला व्रत हस्बैंड के लिए होता है, पतियों के लिए, और ये वाला होता है बेटों के लिए। तो ये गणेश चतुर्थी है, तो सुबह से वैसे ही रहना है, बिना खाना बिना पानी के ही हूँ मतलब अभी तक। अब जाके पूजा करूँगी छत में, देखिए घड़ी, ये देखिए तो टाइम होने वाला है पूजा का, तो जा रही हूँ छत। चलिए आप लोगों से वहीं मिलती हूँ। और जो लोग चैनल में न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए छत चलते हैं और मैं आप लोगों से वहीं मिलती हूँ, ठीक है। तो देखिए सारा काम हो गया, मैं छत जा रहे हैं, कितना अंधेरा है छत में, और हम सभी वेट कर रहे हैं चांद जी का, और जो मून दिख जाए हमें तब पूजा करेंगे, क्योंकि सारा दिन व्रत रहो ना, तो लगता है कि जब तक चांद का दर्शन ना हो तब तक मन नहीं भरता पूजा करने के लिए। जो कि मुहूर्त हो गया है 8:30 बजे का ही था, जो पंडित हमें बताते हैं, जो क्योंकि हम ही ब्राह्मण ही हैं, बट फिर भी जो ब्राह्मण और लोग बताते हैं, बुजुर्ग सियान जो भी हैं, उन्होंने बताया कि 8:30 बजे ही करना है पूजा। वैसे इंटरनेट का ज़माना है, आप कहीं से देख सकते हो मुहूर्त, बट वो बता देते हैं तो हम उन्हीं का सुनते हैं। लेकिन जब तक चांद नहीं निकलता तब तक पूजा मैं चाहूँ भी करना, फिर भी मैं नहीं कर पाती जब तक दर्शन नहीं होते। तो मैं दिखा रही थी कंडा, जो उपले होते हैं उन्हें मैंने आग जला के यहाँ रखा था, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि उसमें बिल्कुल धुआं नहीं निकल रहा, वो बुझ गया है मुझे लगता है। तो मैं मम्मी को दिखा रही थी, ये सासू माँ है मेरी, तो हम दोनों पूजा कर रहे हैं, और क्योंकि बुजुर्ग हैं और ठंडी इतनी ज़्यादा है तो ये जल्दी जल्दी पूजा कर रहे हैं। बोल रहे थे जल्दी करो, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं सयान हो जाते हैं, उन्हें ये होता है कि हाँ जल्दी से हम पूजा कर लें, फ्री हो जाएं, और हम इन पर कोई नियम नहीं थोप सकते, क्योंकि जो कर सकते हैं वो करिए। और ऐसी ही बैठी हैं, कह रही थी बहुत ठंडी हो रही, तो मैंने कहा भलती मार के बैठ जाइए, लेकिन उनको ठंडी लग रही थी। तो मेरी ये आदत है ना कि जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं, मैं ज़्यादा उलझती नहीं उनसे, एक दो बार बोल देती हूँ कि आप ऐसा करो, अगर वो नहीं सुनते तो फिर मैं ध्यान नहीं देती, क्योंकि चलता है। और हम अपने नियम अपने ऊपर लागू करें, ना कि अपने घर वालों के ऊपर। जितना जो कर सकता है वो कर रहा है, हम जितना कर सकते हैं हम वो करें। मैं बहुत सारे नियम कानून किसी पर थोपने नहीं चाहिए, और एक दो बार बोल देना चाहिए, अगर कोई हमारा अपना है तो एक दो बार ज़रूर उसे कहो। और तो मेरी मम्मी हैं थोड़ी सीधी सादी ही सिंपल ही हैं, सासू माँ, तो ठीक ही है सब, भगवान सभी जानते हैं, बुजुर्ग हैं और सुबह से व्रत हैं, भूखी प्यासी, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आप पूजा कर लो जैसे भी करना है, और आप चलो फिर पानी वगैरह पियो, चाय पियो, सबसे ज़्यादा चाय नहीं मिलती ना। और देखिए गणेश भगवान का मैंने पूजा कर लिया था, क्योंकि सबसे पहले गणेश को ही नहलाना चाहिए, उसके बाद फिर चंद्रमा जी को मैं नहला रही थी। और सब हो गया है पूजा पाठ, अब करूँगी आरती, तो आरती हो जाए इसका मतलब सारा काम कंप्लीट। और यहाँ सारे बच्चे हैं तीनों मेरे, इतनी ठंडी में, तो मैं भी बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि ठंडी लग रही। बच्चे हैं ये लोग मानते ही नहीं हैं, जहाँ हम लोग जाएंगे वहीं पहुँच जाते हैं, तो इसलिए जल्दी कर रही हूँ। और मुझे खुद लग रहा है कि पूजा होने के बाद सबसे पहले चाय बनाऊँ, यहाँ से जाके मैं पहले चाय बनाऊँगी, चाय पीने के बाद ही कुछ और नाश्ता करूँगी। तो आरती बस बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, आरती करने के बाद फिर चलती हूँ नीचे। आप सभी जानते हैं कि यहाँ सिर्फ मैं नहीं रहती, तो इसलिए मैंने बहुत सारी आवाज़ में म्यूट की हूँ अभी, और वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं नहीं रहती, मेरे घर के और सारे लोग रहते हैं जो साथ में नहीं हैं, कुछ लोग अलग हैं, कुछ कैसे हैं ऐसे हैं, तो सबको मैं नहीं बोल सकती कि आप लोग शांत रहिए, आप लोग ये मत करिए, आप लोग वो मत करिए, क्योंकि ये मेरा काम है भाई, तो मैं ही अपना काम कर सकती हूँ। और किसी को अगर जिससे हमारी नहीं बनती है
अगर वो देखते हैं या जानते हैं कि कोई कर रहा है काम अपने लिए, कोई ज़रूरी काम है, तो वो लोग और ज़्यादा शरारते करते हैं कि इसका ये वाला काम बिगड़ जाए। तो इसलिए मैं उन पर इतना ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, चाहे वो अपना हो या पराया हो या दूर का हो या जहाँ का भी हो, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, हम उसे बदल नहीं सकते। तो हम क्या करें, हम खुद का काम खुद पर ध्यान दें, हम उस पर ध्यान ही न दें कि कौन क्या कर रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन आवाज़ें कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम जो कर सकते हैं वो करें, हम वो आवाज़ म्यूट कर दें, हम ऊपर से बात करें, जब शोर ना हो तब बात करें, क्योंकि किसी भी इंसान को समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। जो जिसके जितना दिमाग होता है वो वही करता है, तो उन्हें करने दो, उनके हाल में मैं उन्हें छोड़ देती हूँ और अपना काम अपने हिसाब से करती हूँ और भगवान को साथ लेके चलती हूँ। क्योंकि अगर मेरा काम होना होगा, मेरी वीडियो चलनी होगी, मेरा चैनल ग्रो होना होगा, तो वो हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। कोई कितना भी चाहे कि हम इसका ये वाला काम बिगाड़ दें, ये वाला बिगाड़ दें, बट कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर भगवान साथ है ना तो सब कुछ संभव है और हो जाएगा और हो के रहेगा एक दिन। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि भगवान अगर साथ है तो सब हो जाएगा। देखिए हर्ष कितना शरारती है। तो पूजा पाठ वगैरह हो गई है और कुछ बातें अगर मैं सोच लेती हूँ तो मेरे मुँह से निकल ही जाते हैं। सच जो होता है ना वो हमारे मुँह से निकल ही जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम खुद को समझा सकते हैं, खुद के लिए बेटर काम कर सकते हैं और खुद को आगे ले जा सकते हैं, और ना कि किसी और को हम रोक सकते हैं। जो जिसका मन है वो करे, हम अपना काम करेंगे और भगवान का नाम लेकर करेंगे, क्योंकि जाको राखे साइयां मार सके ना खाए। तो अगर भगवान है हमारे साथ तो ये तो सभी को पता है कि भगवान जिसके साथ है उसका कभी कोई बाल विवाह का कर ही नहीं सकता। और मैं प्रणाम कर रही हूँ भगवान को, और सासू माँ भी मेरी कर रही हैं। तो देखिए चांदी से प्रणाम कर रही हूँ और ब्लॉग यहीं तक का था। देखिए अब मैं जाऊँगी नीचे, पानी वगैरह पीऊँगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। बच्चे देखिए सभी यहाँ हैं और ये सारी पूजा हो गई है कंप्लीट। तो ऐसे ही हमारी तरफ होती है सकट गणेश चतुर्थी की पूजा। आप लोगों की तरफ कैसी होती है आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके, और पूरा वीडियो देखिएगा और प्लीज़ फुल देखा करिए। रैंकिंग गिर जाती है वीडियो तो बहुत दिल दुखता है। और मैं चांद आपको दिखाती हूँ, ये फुल मून दिख रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं, चाय पानी पियेंगे। बाय बाय, थैंक यू, बाय फ्रेंड।